Joining me is world champion boxer Nikhat Zareen, who has just struck another gold medal at the Commonwealth Games. Third gold medal, as she tells me, this year. Gold rush continues. Nikhat, tell me how excited you are about winning this medal. You're already a world champion, but what does a Commonwealth medal mean to you? Definitely, it's a great feeling for me to win a gold medal for my country at Commonwealth Games. So, बहुत खुशी की बात है कि आज मैं यहाँ पे चैंपियन बन के जा रही हूँ. और मैंने अपने मम्मी से वादा किया था, उनके बर्थडे पे मैं यहाँ से उनको गिफ्ट लेकर जाऊंगी. तो ये मेरे मम्मी का गिफ्ट है, पापी का गिफ्ट जी. हाँ, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वापस इंडिया जाऊँ और मम्मी से मिलूँ और उनके गले में उनका गिफ्ट डालूँ. निखत, गेम के बारे में बात करें तो पहली बार 50 किलोग्राम कैटेगरी में यू हैव कम्पीटेड. वर्ल्ड चैंपियनशिप वॉज अ डिफरेंट कैटेगरी. ओलंपिक की तैयारी यहाँ से ही शुरू होती है आपकी? जी हाँ, ओलंपिक की तैयारी तो नेशनल से ही शुरू हो गई थी मेरी. बट कैटेगरीज अभी न्यू कैटेगरीज मतलब वो लोग ने मतलब निकाला है, तो उसमें 51 भी नहीं है, 52 भी नहीं है, तो 50 कैटेगरी था. तो आई हैव नो अदर ऑप्शन रादर देन गोइंग डाउन इन 50 कैटेगरी. तो मैं अभी यहाँ से 50 कैटेगरी में कंटिन्यू करूँगी. एंड दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम, फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बॉक्स इन दिस कैटेगरी. तो यहाँ पे अभी तक का तो परफॉर्मेंस अच्छा रहा इस कैटेगरी में, तो मैं यही उम्मीद रखती हूँ कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस देते रहूँ मैं. निखत, व्हेन आई सी यू नाउ, इट फील्स लाइक यू आर एट द पीक ऑफ नॉट जस्ट योर परफॉर्मेंस बट कॉन्फिडेंस. इस कॉन्फिडेंस को ओलंपिक्स तक बरकरार रखने के लिए आप क्या क्या कुछ करना चाहते हो? इस वर्किंग ऑन योर माइंड ऑल्सो? Definitely, it's not only about mind, it's about physical also, mentally also. Boxing में आपको ring में जाके खेलने के लिए you have to be both strong, in physically and mentally also. So definitely, यहाँ से मेरे लिए और भी ज़्यादा tough रहेगा because लोगों की उम्मीदें expectations में से ज़्यादा रहेगी. तो डबल मेहनत करना होगा मुझे यहाँ से. बट डेफिनेटली ये सारे कॉम्पिटिशन में एक मेरे लिए एक न्यू एक्सपीरियंस रहा है और ये कॉन्फिडेंस भी मुझे बूस्ट करेगा यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद. निखत इंडिया दिखाने का, दैट वॉज माई साइन एक्चुअली. अच्छा, आप कहते थे कि मम्मी डरे हुए हैं, लड़का नहीं मिलेंगे. अब लड़कों की तो लाइन लग गई होगी कि आप सलमान के लिए इंतजार कर रहे हैं. अब मेरा फोकस तो फिलहाल तो सलमान खान से ही मिलने का है. बाकी लड़कों की लाइन लगी या नहीं लगी वो तो मम्मी को ही पता है. बाकी मेरा फोकस तो इंडिया के लिए मेडल जीतने पे ही रहेगा. शुक्रिया, और आप जल्दी सलमान से मिले इंशाल्लाह.